फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के। सो गाइस, आज के वीडियो के रिएक्शन है ना वो बहुत ही फाड़ आने वाले हैं, क्योंकि आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ अपनी छोटी बहन पे। यार बहुत मजा आने वाला है, वो मुझसे मिलने आ रही है यार बहुत टाइम बाद, तो यार बहुत मजा आने वाला है, रिएक्शन बहुत ही फाड़ आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने स्टोरी बनाई है ना यार, मतलब मजा आ जाएगा यार। मम्मी पे तो प्रैंक कर ही लिया यार, छोटी बहन ही रह गई थी उस पर भी सोचा प्रैंक कर ही ले। तो यार वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपको पता है न्यू ईयर आ गया, तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप लोग भी, कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है कि यार पैसे कहाँ से आए। तो गाइस मैं आज आपको फोरा बेट की ट्रिपल साइट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छी साइट है जिससे कि आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। तो गाइस यहाँ पर स्पिन किया और सेकंड टाइम स्पिन किया, और देखो यहाँ पे मैंने पैसे जीत लिए, और एक बार फिर से स्पिन करते हैं, मैं फिर से जीत गई यार। तो गाइस देखा, बहुत ही सिंपल है, और आप एक मिनट में पेटीएम के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हो अपना अमाउंट। तो गाइस देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके इसको चेकआउट करो, बहुत सारा पैसा कमाओ। तो यार अभी वेट कर रही हूँ मैं, उसका क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं क्या होता है वीडियो में। आ जा बेटा, मम्मी भी अभी प्रैंक हो चुका है, बहन रह गई है, आहा मजा आएगा। देखते हैं छोटी बहन के रिएक्शन क्या आने वाला है, पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। कंपेयर मत करना प्लीज, ठीक है, वो सुंदर है, ये सुंदर है, ये वो। कॉल नहीं किया लड़की ने अभी तक। कॉल आ चुका है यार, देखते क्या होता है, स्पीकर पे डाल देती हूँ। अरे कैमरा, हेलो हेलो, कहाँ रह गई बहन? अरे बस आ गई, मेरे को दिखी नहीं थी, तू कहाँ? अरे वो देख सामने, सामने देख, रेड में। अरे इधर सामने सामने इधर, हाँ रेड पहना है, आजा आजा आजा। अरे लड़की तू भी रेड पहना ही आज, कैसी है तू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, की आवाज़ नहीं आती है तुझे? आती है, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? कोचिंग छोड़ के आई हूँ आपके लिए। हाँ, दो महीने बाद चक्कर लगाया। और सब बढ़िया, तू बता। मेरा भी सब बढ़िया। चर्चे वर्चे बड़े सुन रही हो बेटा तेरे में? किस चीज़ के? बस समझ जा तू किस चीज़ के चर्चे, सचिन वचिन क्या चल रहा है? कौन सचिन? सचिन कौन सचिन? देख सीधे चुपचाप बता दे, बड़ी बहन से कुछ छिपाते नहीं है। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, जब ऐसा कुछ नहीं है मतलब मैं पागल हूँ। कौन सचिन? मेरे को तो पता भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? तो देखा इधर को मैंने। नहीं दीदी कुछ भी बोल रहे हो आप, दिल्ली में ना मम्मी पापा ने इसलिए भेजा हम दोनों को भरोसा करके कि लड़की चैनल संभालेगी और ये लड़की कोचिंग अपनी डेली क्लासेस लगाएगी, और तू ये हरकतें कर रही है। नहीं आप ऐसे बोल रहे हो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही। मैंने कल तेरे को सचिन के साथ देखा, तू क्या कर रही थी सचिन के साथ ये बता। मैं नहीं थी सचिन के साथ, मैं सिर्फ अर्जुन से बात करती हूँ, वो भी आपको तो पता है, उसका तो नंबर भी आपके पास, मम्मी पापा। अर्जुन का तो नंबर है, लेकिन ये सचिन कौन है तेरी जिंदगी में, कहाँ से है ये तेरी जिंदगी में? लड़कों से बात करना ही नहीं अलाउड मेरे को तो। वो तो ठीक है तेरा, मेरे को अर्जुन का तो पता है, देख ठीक है क्या चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक लड़के के साथ, कोई दिक्कत नहीं है एक लड़के के साथ रह रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बॉयफ्रेंड तो होते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो दो वाली चीज, ये जो ये सचिन और ये सचिन अर्जुन चल रहा है ये समझ। वही बेटा जिसके साथ तू कल घूम रही थी, देख यार सिस्टी मैं तेरे को सही बता रही हूँ, सही से बता दे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दीदी चल ही नहीं रहा कुछ, होता तो मैं तो आप ही को बताती सारी चीजें पहले। वही तो मैं बोल रही हूँ कि तूने अपनी बड़ी बहन को बताया अरे कि है ही नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी इसलिए मिलने आए हो क्या आप? मैं इसलिए मिल रही हूँ ताकि मैं तेरे से सारी बातें क्लियर करूँ, माँ बाप ने हमें भरोसा करके यहाँ भेजा और तू देख क्या कर रही है यार। दीदी ऐसा है ही नहीं, जब कुछ होता है तो सबसे पहले आपको कॉल करती हूँ, मम्मी पापा से छुपा। अरे वही तो मुझे समझ आ रहा है कि तू मम्मी पापा को बताती है मुझे बताती है, कुछ चीजें मम्मी पापा को नहीं बताती, लेकिन तू मुझसे कैसे छुपाती अपनी बेटी? है ही नहीं ना यार, तेरे को पता ना मैंने तेरी सारी गलतियां छुपाई है हमेशा, मम्मी पापा के आगे पर्दा किया कि ये लड़की सही है कैसे नहीं है। अरे लेकिन आपने किसको घूमते हुए आई समझ, अब तू एक्सेप्ट कर ले। देख मम्मी को बता देना ये कर दूते हो रही है, मम्मी बता रही हूँ घर बुला लेगी। नहीं बता सकते दीदी, ऐसा थोड़ी होता है यार, तू प्लीज मेरी बात सुन एक्सेप्ट कर ले, अगर जो गलती है ना छोटा नहीं हो जाता इंसान अपनी गलती मानने से। अब रोने क्यों लग गई है, रोने से क्या होगा? मेरे को नहीं करना यार, कुछ है ही नहीं यार, फिर तू ऐसा क्यों करती है मुझे बताती क्यों नहीं है? ऐसा कुछ है ही नहीं। जब यार तेरे को पता है ना कि मम्मी पापा ने भरोसा कर, मैं मम्मी को बताऊंगी, देख तू रो लेते फिर ये बता तूने ऐसा क्यों मेरे से छुपाया है, क्यों है तूने? तू अपनी बड़ी बहन से चीजें छुपाने लगी है, वो जो कि जिसने तेरा हमेशा आज तक साथ दिया हर चीज में है, वो तो मैं बता देती ना अभी तक। तेरी सारी गलती में मैंने पर्दा डाला, यही कसूर था क्या मेरा?
अब मैं पापा को मम्मी को फोन करके ये बता दूं ये सचिन वाली बात जो कल तू घूम रही थी, फिर क्या करेगी तेरा? नहीं नहीं घूम ही नहीं, कोचिंग सब खत्म, पानी में है कोचिंग घर जा तू, हरियाणा जा, बता सकते हैं हरियाणा जा, हिसार रह तू, वहीं पे वही करियो, वहाँ कुछ होगा नहीं ना करने को, और बोर होएगी फिर पता चलेगा, पढ़ाई वढ़ाई सब छूट जाएगी। फिर यार तू मेरे को बताती क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कुछ तू रुक यार, तू नहीं तू एक्सेप्ट, फिर तू कुछ ऐसा नहीं, 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 नहीं फिर तू के, फिर तू मान नहीं रही है, देख ले फिर तू नहीं मान रही है यार, एक्सेप्ट कर लेना अगर गलती है तो। सचिन के साथ क्यों घूम रही थी? मेरे को बताया किसी ने? मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा तेरे को, बता कुछ है? पहले मैं यार रोने से कुछ नहीं होता सृष्टि, ठीक है? या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, क्या ठीक है? था कोई, कौन था? ऐसे ही था कोई? आप अपने मुंह से बता दे, हंसने की जरूरत नहीं है, मन मन में कौन था वो बता, तू नहीं बताएगी ऐसे, रुक जा तू। मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ। नहीं नहीं तो तू क्यों किया तूने ऐसा, बता फिर, तूने मेरे को नहीं बताया अपनी छोटी, मैं तेरे को कितना प्यार करती हूँ और तू ऐसे ये सिला दे रही है मेरे को, बता। समझते नहीं हो ना कुछ, जब ऐसा होता नहीं आप यार, तो मतलब रोने से क्या होगा? यार रोने से क्या होता है बाबू, तेरे को पता है मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, मैं तेरे को, मैं नहीं चाहती किसी गंदे लड़के की कंपनी में तू पड़ जाए। सही नहीं, आप क्या बोल रहे हो? फिर तू नहीं बता रही सचिन कौन है? मैं फोन करती हूँ मम्मी को। कौन है सचिन? अच्छा चुप हो जा, अरे चुप हो जा ना, मेरे को भी नहीं पता सचिन कौन है। अरे क्या, वो देख वो रहा सचिन, वो आ गया सामने। आप भी ना अपने ऊपर थोड़ी करते हैं, ऐसे मजाक नहीं करते। मेरे को लगा कि मेरी छोटी बहन पे भी हो जाना, मम्मी पे तो कर दिया, मैंने कहा बहन पे भी कर दूं क्यों? तो मम्मी पे चलेगा, बहन पे तो आजकल तेरे को पता ट्रेंडिंग चल रहा है, प्रैंक ऑन सिस्टर, प्रैंक ऑन, आपका सारा ट्रेंडिंग बेकार है ना, सब बेकार है। कोई बात नहीं, अब ऐसे ना बोलियो दीदी बेकार है, अब बोलते जल्दी मेरी दीदी को सब्सक्राइब कर दो। मेरी दीदी को सब्सक्राइब कर दो एकदम। आए मम्मी बच्चा पक्का नहीं है ना सचिन कोई? नहीं। चल फिर कुछ खाते आ जा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से जाके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करके बता देना यार बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। और यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे यार, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं यार, अच्छी अच्छी वीडियोज और आप लाते रहेंगे यार, आपको हंसाते रहेंगे और हम भी हाँ हाँ हंसते रहेंगे। तो यार मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।